वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ फ्री फायर में आए हुए इवेंट के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिखाने वाला हूँ लक रॉयल में आए हुए इवेंट, बंडल, गन स्किन और इंक्यूबेटर। अब चलते हैं लक रॉयल में और आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएमसी मतलब डेविल में क्राइक करके एक इवेंट आया है। इसमें आपको 20 डायमंड का एक स्पिन है और 200 डायमंड का 10 और एक फ्री स्पिन मिलता है। टोटल 11 स्पिन मिल जाता है। तो मैं तो स्पिन नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास डायमंड नहीं है और इसमें 2000 डायमंड लग जाएगा। तो चलिए इसमें क्या क्या मिल रहा है बताता हूँ। इसमें आपको बंडल ट्रांजेक्शन इमोट मिल जाएगा और दो और इमोट मिल जाएगा। उसके बाद दो बंडल, एक बाइक की स्किन जो काफी अच्छा है और आपको एक गन की स्किन मिल जाएगा जो रेयर बंडल है जिसमें इमोट ट्रांजेक्शन है। वो आपको 250 टोकन में मिल जाएगा और जितना आइटम है उससे कम टोकन में मिल जाएगा। अगर आप इसमें स्पिन किए हैं तो आप कमेंट करके बताएं आपको क्या क्या मिला है। अब चलते हैं डायमंड रोल में और देखते हैं कौन सा बंडल आया है। डायमंड रोल में आपको बंडल देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है लेडी बार क्यू, जो कि ठीक ठाक ही कह सकते हैं। अब गोल्ड रोल में चलते हैं, इसमें भी लेडी बंडल है जो किसी काम का नहीं है, बस बंडल दोस्तों में गिनाने में काम आता है। अब चलते हैं वीपन रॉयल में और देखते हैं कौन सा गन स्किन आया है। तो आपको वीपन रॉयल में देखने को मिल जाता है सिकली स्वीट पैराफल, जिसका रिलोड स्पीड कम है, माइनस है, और मैगजीन डबल प्लस है, आर्मर प्रोटेक्शन सिंगल है, जो कि ये स्किन बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये डबल मैगजीन देकर फायदा ही क्या जब रिलोड स्पीड माइनस है। इससे अच्छा तो इसकी पुरानी वाली स्किन है। अब दो और रॉयल है, इसे भी देख लेते हैं। पहला इंक्यूबेटर है और दूसरा आपका थॉमसन गन है। तो चलते हैं पहले इंक्यूबेटर देखते हैं। इंक्यूबेटर रोल में इस टाइम वुड पिकर आया हुआ है। तो चलिए इसका एट्रीब्यूट बताते हैं। यह एलो वाला वुड पिकर में डैमेज डबल मिल जाएगा, एक्यूरेसी सिंगल प्लस और माइनस में आपको मैगजीन मिल जाएगा, जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा रेड वाला वुड पिकर में आपको रेट ऑफ फायर डबल प्लस मिल जाता है, सिंगल मैगजीन और मूवमेंट स्पीड मिल जाएगा माइनस में। अब व्हाइट वाले वुड पिकर में देख लेते हैं आपको क्या क्या है। तो इसमें आपको रेंज डबल मिल जाएगा, आर्मर प्रोटेक्शन और रिलोड स्पीड माइनस मिल जाएगा। इसमें आप ब्लू प्रिंट एक्सचेंज करके भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पुराना ब्लू प्रिंट होगा तो एक्सचेंज कर लेना। आप थॉमसन ईवो गन देख सकते हैं जो कि फेडेड व्हील में आया हुआ है। इसका फर्स्ट स्पीड 9 डायमंड से चालू होता है और डायमंड बढ़ता जाता है। थॉमसन का स्किन MP40 कोबरा जैसा मिलता जुलता दिखने को मिलेगा। अगर आप इसे निकालें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपका कितना डायमंड इसमें खर्च हुआ था, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा इसमें कितना डायमंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं इवेंट कैलेंडर में और बताते हैं इस टाइम कौन सा इवेंट चल रहा है और कैसे कंप्लीट करना है, मिशन कंप्लीट करने पर क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मिशन मेकओवर इवेंट चल रहा है जो कि चालू है 10 फेब से। तो आप लोग जाकर इस मिशन को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको गेम अच्छी मिल खेलने को मिल जाता है। 5 किल करना होता है और जो भी मिशन है उसे आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप लक रॉयल से कौन सा बंडल या अंकन का स्क्रीन कितने डायमंड में निकला है।